OnePlus 9RT स्मार्टफोन चाइना के अंदर आज ऑफिशियली लॉन्च हो चुका है। चाइना में यह स्मार्टफोन आज लॉन्च हुआ है 3,299 युआन की प्राइस पर, यानी कि करीबन 38,000 इंडियन रुपीस की प्राइस पर यह स्मार्टफोन चाइना के अंदर आज ऑफिशियली लॉन्च हो चुका है। और गाइस, इस वीडियो के अंदर OnePlus 9RT स्मार्टफोन में हमें क्या फीचर्स मिलने वाले हैं वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन गाइस OnePlus 9RT स्मार्टफोन इंडिया में अगले महीने ही लॉन्च होने वाला है। और इस वीडियो के अंदर OnePlus 9RT स्मार्टफोन अगले महीने कब लॉन्च होगा, किस प्राइस पर लॉन्च होगा, वो सारी डिटेल्स मैं आपको बताने वाला हूँ। सो हे गाइस, मेरा नाम है ब्रीज और एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। चलिए पहले बात करते हैं OnePlus 9RT स्मार्टफोन के फीचर्स के बारे में। फीचर्स के मामले में OnePlus 9R एंड OnePlus 9RT ये दोनों स्मार्टफोन्स काफी सिमिलर होने वाले हैं। दोनों स्मार्टफोन्स में हमें सिर्फ तीन चीजों का ही डिफरेंस मिलने वाला है, इसीलिए डिफरेंस के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। पहले मैं आपको इन दोनों स्मार्टफोन्स के सिमिलर फीचर्स बता देता हूँ। दोनों ही स्मार्टफोन्स के अंदर हमें पंचोल कैमरा वाली डिस्प्ले मिलने वाली है और ये डिस्प्ले एमोलेड डिस्प्ले होने वाली है, जहां पर 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाएगा और यहां पर हमें फुल एचडी प्लस का रिजोल्यूशन भी मिल जाएगा। दोनों ही स्मार्टफोन्स के अंदर हमें 4500 mAh की बैटरी मिल जाएगी एंड 65W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल जाएगा। और गाइस, दोनों ही स्मार्टफोन्स के अंदर हमें LPDDR5M मिलेगी और यहाँ पर हमें UFS 3.1 बेस की स्टोरेज भी मिल जाएगी। इतनी चीजें यहाँ पर दोनों ही स्मार्टफोन्स के अंदर सेम मिलने वाली है। लेकिन बात करते हैं अब डिफरेंस के बारे में। पहला डिफरेंस ये है कि OnePlus 9RT स्मार्टफोन के अंदर हमें 600 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट मिलने वाला है, जबकि OnePlus 9R स्मार्टफोन के अंदर सिर्फ 240 हर्ट्ज का ही टच सैंपलिंग रेट दिखने को मिलता है। और गाइस, 600 हर्ट्ज टच सैंपलिंग रेट होने की वजह से यहाँ पर गेमिंग करते समय टच रिस्पांस काफी फास्ट मिल जाएगा। टच रिस्पांस काफी अच्छा होने वाला है OnePlus 9RT स्मार्टफोन का OnePlus 9R स्मार्टफोन के कंपेयर में। दूसरा डिफरेंस ये है कि दोनों ही स्मार्टफोन्स के अंदर हमें डिफरेंट प्रोसेसर्स मिलने वाले हैं। OnePlus 9R स्मार्टफोन के अंदर Snapdragon 870 का प्रोसेसर अवेलेबल है, जबकि OnePlus 9RT स्मार्टफोन के अंदर OnePlus ने यूज किया है Snapdragon 888 का प्रोसेसर। और गाइस, Snapdragon 888 प्रोसेसर 870 के कंपेयर में काफी पावरफुल है, पावरफुल प्रोसेसर है और इस प्रोसेसर के साथ आप लोग हाई सेटिंग्स में गेम इजीली खेल पाएंगे। गेमिंग करते समय यहाँ पर आपको काफी स्मूथ एक्सपीरियंस मिल जाएगा। परफॉर्मेंस के मामले में OnePlus 9RT स्मार्टफोन बेटर होने वाला है OnePlus 9R स्मार्टफोन के कंपेयर में। तीसरे डिफरेंस की बात करें तो तीसरा डिफरेंस ये है कि OnePlus 9R स्मार्टफोन के अंदर हमें 48 मेगापिक्सल क्वाड रियर कैमरास मिल जाते हैं, लेकिन OnePlus 9RT स्मार्टफोन के अंदर हमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलने वाला है, जहां पर 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर मिल जाएगा। ये सेंसर सोनी की तरफ से है, जो कि है सोनी IMX766। और गाइस, ये सेंसर OnePlus Nord 2 स्मार्टफोन में भी अवेलेबल है और ये सेंसर काफी कैपेबल सेंसर है। और गाइस, कैमरा क्वालिटी के मामले में भी OnePlus 9RT स्मार्टफोन OnePlus 9R से बेटर है, क्योंकि यहाँ पर जो सेंसर है वो थोड़ा अच्छा है OnePlus 9R स्मार्टफोन के कैमरा सेंसर के कंपेयर में। OnePlus 9RT स्मार्टफोन ओवरऑल एक अपग्रेडेड वर्जन है OnePlus 9R स्मार्टफोन का, जहां पर अच्छा कैमरा, अच्छी डिस्प्ले और अच्छी परफॉर्मेंस भी दिखने को मिल जाती है। और गाइस, जिस प्राइस पर OnePlus 9RT स्मार्टफोन चाइना के अंदर लॉन्च हुआ है, उस प्राइस पर एक काफी अच्छी डील प्रोवाइड कर देता है। लेकिन गाइस, इंडिया में जब ये स्मार्टफोन लॉन्च होगा तब इसकी प्राइस इतनी नहीं होगी, इंडिया में टैक्स लगते हैं इसकी वजह से। इंडिया में जब ये स्मार्टफोन लॉन्च होगा तब इसकी प्राइस 3,000 से 4,000 रुपए ज्यादा होगी, यानी कि हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि OnePlus 9RT स्मार्टफोन इंडिया में 42 या फिर 43,000 रुपीस की प्राइस पर लॉन्च हो जाएगा। 42-43,000 रुपीस की प्राइस पर यह एक काफी अच्छा गेमिंग स्मार्टफोन कहलाएगा। 45,000 से कम की प्राइस पर यह एक काफी अच्छा गेमिंग स्मार्टफोन बन सकता है। और गाइस, ऐसी जानकारी मिली है कि यह स्मार्टफोन अगले महीने के मिड में, यानी कि नवंबर 15 से 20 के बीच में यह स्मार्टफोन इंडिया के अंदर लॉन्च हो जाएगा। यह एक काफी अच्छा स्मार्टफोन है, अगर OnePlus इसे एक अच्छी प्राइस पर इंडिया में लॉन्च करता है तो यह एक काफी अच्छा स्मार्टफोन बन सकता है। क्या आप लोग OnePlus 9RT स्मार्टफोन के लिए एक्साइटेड हो, तो वो मुझे आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। यह था मेरा वीडियो OnePlus 9RT स्मार्टफोन के बारे में। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।